मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने शासकीय टीआरएस महाविद्यालय के छात्रों ने किया नुक्कड़ नाटक का आयोजन। लोगों को दी मतदान के संबंध में जानकारियां। ने हाथ में देश की नैया, मैडम दीदी भैया, मैं निखिल शासकीय ठाकुर रमा सिंह महाविद्यालय से अपने पूरे ग्रुप के साथ आप सभी को कोई नाच या तमाशा दिखाने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको मतदान और वोट के अधिकार के बारे में बताने आया हूँ। दोस्तों, हम यहाँ अपने नाटक के माध्यम से अपनी जनता और आप सबको मतदान के अधिकार से अवगत कराने आए हैं और इसका महत्व समझाने आए हैं, क्योंकि नाटक समाज का दर्पण होता है और दृश्यात्मक रूप भी होता है। सुनो, इस प्रांगण में हम सच्चाई प्रस्तुत करने आए हैं, तो आइए ले चलते हैं आपको आपको उस ओर जहाँ चाचा जी अपने परिवार के सदस्यों को मतदान के लिए मतदान केंद्र ले जा रहे हैं। चलो जल्दी चलो, आज के दिन भी तुम इतना टाइम लगा रहे हो और तुम ये नहीं समझ रहे कि मतदान का दिन है, तुम्हारे एक वोट से देश का भविष्य होगा, तुम्हारे ये समझ में नहीं आ रहा? अरे अरे चाचा जी, घर वालों को क्यों परेशान कर रहे हैं? इसमें परेशानी कहे की घर वालों को, परिवार वालों को, प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार, वोट देने का अधिकार। हमें तो ये सोचना चाहिए बिना किसी जाति धर्म के, बिना किसी लालच के अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे एक वोट न देने से क्या पता योग्य प्रत्याशी न जीत पाए और अयोग्य प्रत्याशी जीत जाए, जिससे तुम्हारे देश का भविष्य होगा। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है? अरे अरे चाचा जी, हम वोट देंगे तो हमें पैसा वैसा मिलेगा ना? पैसा, जो हम अपना वोट भेजते तो धिक्कार है हम पर। हमें तो बिना किसी लालच के अपनी सद्बुद्धि से अपने मत का प्रयोग करना चाहिए प्रत्येक नागरिक को। अरे चाचा जी, वोट देने हम भी जाएंगे और अपने परिवार को भी साथ लेकर जाएंगे और राष्ट्र निर्माण में अपना जन भागीदारी निभाएंगे। अरे मूर्ख, समझे भी तो इतनी देर में, अब तुम्हें पता चला कि एक एक वोट कितना कीमती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा मतदाता लोकतंत्र का है भाग्य विधाता। आप सभी युवा हैं और सभी को मैं अपने नाटक के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया हूँ कि आप लोग सभी अपने मत का प्रयोग करें। जो भी ये विधानसभा का निर्वाचन होगा 28 नवंबर को, मैं चाहता हूँ कि अपने रीवा जिले से 60% मतदान हो। और ये मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा, ना नशे से ना नोट से किस्मत बदलेगी वोट से।